अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद अतीक रहमान और आप देख रहे हैं 95 व्हील। दोस्तों आज हम आपके लिए एक्सपर्ट व्यू लेके हैं टोयोटा यारिस। ये टोयोटा की एक सब कॉम्पैक्ट सब कॉम्पैक्ट सेडान कार है जिसको बी सेगमेंट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रिसेंटली पाकिस्तान में लॉन्च हुई है, काफी अर्सा नहीं हुआ, मतलब इसको लॉन्च हुए तकरीबन 3 से 5 साल हो चुके हैं। इसमें आपको 1.3 और 1.5 लीटर के इंजन के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आज की वीडियो में इसका एक्सपर्ट भी दूंगा, बताऊंगा कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी बुरी हैं, क्या चीज़ें इसमें काफ़ी गाड़ियों से सिमिलर है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अपना एक्सपर्ट व्यू स्टार्ट करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने, और अगर आपको गाड़ी किराए पर लेना चाहते तो जिन आर एंटी का नंबर स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है, आप उस नंबर पर रब्ता करके कोई भी गाड़ी किराए पर ले सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना एक्सपर्ट रिव्यू। तो दोस्तों एक्सपर्ट व्यू स्टार्ट करते हैं। गाड़ी की फ्रंट लाइट्स की बात करें तो ये काफी बढ़िया आपको लाइट्स देखने को मिलती हैं। इधर आपको ब्लैक कलर की ग्रिल, जबकि इसके ऊपर आपको मॉडल चले जाए जैसे कि 1.5 या 1.5 सीवीटी, उसमें आपको ये बॉडी कलर देखने को मिलती है। यहाँ आपको इसका मोनो देखने को मिलता है, बम्पर आप जैसे ब्लैक कलर में, फोन नंबर लगे हुए हैं। अब इसमें चीजें देखने के बाद नोटिस है ये है कि अगर इसकी फ्रंट लुक आप देखें तो ये कैमरी और जो किया है करोला, उसका कॉम्बिनेशन लगती है, क्योंकि दोनों की लुक इसमें नजर आती है, काफी सिमिलर है। काफी चीजें उन्होंने उठा उठा कर ना अपनी दूसरे गाड़ियों से इस गाड़ी से में लगाई है और इसको मुतारफ कराया है। इसका हैचबैक वेरिएंट भी आता है यारिस, जिसको विट्स भी कहते हैं, हमारे विट्स भी है, यारिस भी कहते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ आपको करेक्टर लाइन्स वाजह दिख रही होंगी, ये करेक्टर लाइन्स है, यहाँ इस डोर से एक करेक्टर लाइन यहाँ शुरू होती है, ये नीचे है। क्रोम फिनिश में डोर हैंडल है ये, और यहाँ आपको बॉडी कलर मिरर और रिटर्न सिग्नल दिख रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं ऊपर आपको कॉन्फिनिश की लाइनिंग देखने मिलती है, नीचे नहीं, कीलेस एंट्री आपको ऊपर वाले मॉडल में देखने मिलती है, इसमें नहीं। ठीक है, इंटीरियर की बात करें तो अब इंटीरियर मैं बताता जाऊंगा, आप गिनते जाए। ये चीजें इन्होंने करोला से उठाई हुई हैं, ये जैसे आप देख रहे हैं। ठीक है, स्टेयरिंग इन्होंने करोला के लिया हुआ है, मीटर आप देख सके तो मीटर भी आपको करोला का करोला से काफी सिमिलर लग रहा होगा इसका। ये चीज है, ये इन्होंने चेंज किया, ये सिमिलर नहीं है, किसी चीज से नहीं मिलती। एक एयरबैग यहाँ, एक इधर स्टैंडर्ड हो गया था। और अगर आप इसकी बात करें स्पेस की, ठीक ठाक स्पेस आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल इस गाड़ी में देखने को मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें आपको मैनुअली एनालॉग देखने को मिलता है, एसी के कंट्रोल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। मीटर आपको दिखा देते हैं एक दफा, तो मीटर आप देख सकते हैं एनालॉग मीटर, स्पीडोमीटर, आरपीएम मीटर, हार्ट एंड कूल की गेज भी आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलती है। लेकिन इसमें सॉरी मैं एक चीज मिस कर गया, फ्यूल की गेज देखने को मिलती है, हार्ट एंड कूल की गेज नहीं देखने को मिलती। 40 लाख की गाड़ी है यार, ये चीज देने में क्या जाता है, कुछ भी नहीं जाता है, फिर भी नहीं दी। कप होल्डर देखने को मिलते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट यहाँ देखने को मिलता है। आर्मरेस्ट देख सकते हैं, इसमें स्पेस ना होने के बराबर है। यहाँ आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है, इसमें दो कंपार्टमेंट है, जिसमें एक में आप टिश्यू वगैरह रख सकते हैं, दूसरे में अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। सीट्स की बात करें तो ठीक है, कंफर्टेबल है, ये में कवर वगैरह चढ़ाए हुए, फैब्रिक सीट्स आती हैं, और इधर रीडिंग लाइट्स, इधर मिरर है ड्राइवर के लिए भी, पैसेंजर के लिए भी। अगर बात करें इसकी गाड़ी की लुक की, तो अगर मैं ऐसे ऐसे बैठ जाऊँ, मुझे अगर किसी को बताए ना यार, ऐसे किस शख्स को नहीं पता, तो ये वो ये कहेगा मैं करोला में बैठा हुआ हूँ दोस्तों, मैं यारिस में नहीं बैठा हुआ। हाँ, ये करोला ही लगती है, क्योंकि करोला से ही इसको इंस्पायर होके बनाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, बैक की बात करें तो बैक आप देख सकते हैं, बैक भी काफी सिमिलर है इसके करोला से। फ्लैट बेड सीट्स ही देखने को मिलती हैं इसमें, आर्मरेस्ट दरमियान में नहीं देखने को मिलता। इसके टॉप अलाइनमेंट में आपको आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाता है। 15 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं, इसमें स्टील व्हील्स आते हैं, इसके ऊपर वाले मॉडल में इसमें अलॉय व्हील्स भी आते हैं, लेकिन इसमें नॉर्मल वैसे स्टील व्हील्स ही आते हैं। बैक की लाइट की बात करें तो फिर यहाँ काफी सिमिलर देखने को मिलती है, करोला और कैमरी का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है इसकी बैक से भी, आप देख सकेंगे तो काफी सिमिलर लगती है उन गाड़ियों से भी। यारिस जीएलआई की बैजिंग देखने को मिलती है इसमें, जीएलआई मतलब 1.3 मैनुअल, 1.3 ऑटो, 1.5 मैनुअल, 1.5 सीवीटी और 1.5 सीवीटी टॉप एंड लाइन मॉडल होता है वो भी आते हैं। ये देख सकते हैं बैजिंग, आपको यहाँ बैक कैमरा देखने को मिलता है, की से आप इसकी बूट ओपन कर सकते हैं।
इस तरह इसकी बूट ओपन हो जाती है। जैसे 420 लीटर की बूट स्पेस देखने को मिलती है। स्पेयर व्हील यहाँ नीचे ही होता है इसका, ये मैं दिखा सकूँ तो ये इसका स्पेयर व्हील है, स्टील व्हील में आता है, ठीक है। सस्पेंशन वही है जो करोला सदियों से यूज करती आ रही है। फ्रंट पर मैकफर्सन स्ट्रट, जैसे बैक पर ट्विश में सस्पेंशन होती है। फ्रंट पर डिस्क ब्रेक, आपको बैक पर ड्रम 1.5 में आपको दोनों में फ्रंट और बैक पर डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है। और ये ABS ब्रेक है, क्योंकि अब बाकी ये स्टैंडर्ड हो गई, पहले ये ऐसा नहीं होता था। इंजन की बात करें तो मैंने अभी बता दिया 1.3 और 1.5 लीटर का इंजन इसमें आते हैं। और ये 1.3 इंजन इसलिए मुतारफ करवाया गया था क्योंकि टोयोटा वालों ने अपनी टोयोटा करोला का 1.3 इंजन डिस्कंटिन्यू कर दिया था। करोला में 1.6 और 1.8 इंजन आता था। अगर कोई शख्स उससे नीचे का इंजन लेना चाहता है तो उसको यारस ही लेनी पड़ेगी, वो करोला नहीं ले सकता, इन्होंने ये किया था। ड्यूल वीवीटीआई की टेक्नोलॉजी आती है इस गाड़ी में, जो कि टोयोटा की अपनी टेक्नोलॉजी है इंजन की, ठीक है। बात करें पावर की तो 1.3 लीटर का इंजन 94 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जबकि 1.5 लीटर का इंजन 125 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि काफी अच्छे नंबर हैं। एवरेज की बात करें तो टोयोटा की एवरेज हमेशा अच्छी रही है, इतनी बुरी एवरेज नहीं है। अभी भी ये गाड़ी अगर 1.3 में है तो आगे 12 से 14, और 1.5 में है तो 15 तक की एवरेज दे सकती है। शहर में 15 से 14 की एवरेज ये गाड़ी दे सकती है आपको, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें चीजें तो उस हिसाब से अब 40 लाख रुपए से भी बढ़ गई ये कीमत, 50 लाख से ऊपर चली गई ये गाड़ी। और अगर दोस्तों कहीं को अगर 1.3 इंजन लेना तो फिर तो यही ऑप्शन है उसके पास। अगर कोई दोस्त इससे पैसों से कुछ ऊपर चला जाए तो उसके पास दो ऑप्शन आ जाती है, या ये वो ये ले सकता है या करोला 1.6 ले सकता है। ये भी अपनी प्रेफरेंस होती है कि दोस्तों को, कई लोगों को ये पसंद आती है कहीं को वो। लेकिन इसमें कई चीजें बहुत ही नोटिसेबल हैं जो मेरी समझ से बाहर हैं। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तब इसकी हेडलाइट का पेयर 37,000 का था मेरे ख्याल से, इतने का था। जबकि ये जो डियर आयल्स हैं, ये जो नीचे लगी हैं, ये हेडलाइट से भी ज्यादा महंगी थी उस टाइम पर। अब का मुझे पता नहीं है कि क्या इन्होंने हिसाब किया हुआ, लेकिन वैसे डॉलर्स की प्राइस जैसे ऊपर जाती है वैसे पार्ट्स की कीमत भी बढ़ती जा रही है। दोस्तों ये था हमारा आज का एक्सपर्ट रिव्यू इस गाड़ी के मुताबिक। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये एक्सपर्ट रिव्यू पसंद आएगा। अगर आप ये गाड़ी किराए पर लेना चाहते हो, जिनार रेंट कार का नंबर स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है, आप उस नंबर पर आता करके कोई भी गाड़ी बुकिंग पर ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।